हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खाना खजाना में मैं आज बनाऊंगी आलू गोश्त की रेसिपी एंड आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अचानक से घर आए मेहमानों के लिए बनाए टेस्टी आलू गोश्त जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और इनको बनाना भी बहुत आसान होगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आलू गोश्त बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 kg बड़े का गोश्त लिया है और ये बहुत ही अच्छा वाला गोश्त लिया है। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे 7 कटे हुए आलू लिए हैं जिनको मैंने अच्छे से कट कर लिया है और आप किसी भी शेप में आलू को कट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 शेप में आलू को कट किया है और आलू को भी बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया है और पानी में भर के रख दिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक प्रेशर कुकर में 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। ऑयल को यहाँ पे अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। इसके बाद हम 1 टीस्पून यहाँ पे ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरा यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो रहा है। इसके बाद मैं यहाँ पे 3 तेज़पत्ते ऐड करूँगी और तेज़पत्ते का फ्लेवर जो है और ज़ीरे का फ्लेवर बहुत ही अच्छे तरीके से ऑयल में ऐड हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे 7 कटी हुई प्याज ऐड करूँगी। तो यहाँ पे 6 से 7 आप प्याज ऐड करें। प्याज की क्वांटिटी आप थोड़ी ज़्यादा रखें तभी जो है ये आलू गोश्त बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। प्याज को जल्दी से फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। नमक ऐड करने से प्याज बहुत जल्दी से फ्राई हो जाती है क्योंकि जैसे ही हम प्याज में नमक ऐड करते हैं प्याज जो है बहुत जल्दी से पानी को रिलीज़ कर देती है और बहुत जल्दी से फ्राई हो जाती है। लेकिन इसका कलर इक्वल आए इसके लिए आपको कंटिन्यूसली इसको स्टर करते रहना है। और अब देखिए प्याज जो है अच्छे से फ्राई हो गई है। अब मैं इसको निकाल ले रही हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत जो ऑयल इसमें रह जाएगा वही एकदम कलर जो है थोड़ा सा डार्क कर देगा और डार्क ब्राउन हमें प्याज को बिल्कुल फ्राई नहीं करना है वरना प्याज का जो टेस्ट है वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। इसके बाद मैं 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और लहसुन अदरक के पेस्ट को भी अच्छे से हमें यहाँ पे पका लेना है। तो देखिए लहसुन अदरक के पेस्ट को हमें बहुत ही अच्छे से पका लेना है जब तक इसके अंदर से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है और आप इसे बीच बीच में मिक्स करते रहें। मसाले में 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है। हल्दी बहुत कम ऐड करनी है। धनिया पाउडर मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है और यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला और 1 टीस्पून नमक लिया है। और अब सारे मसालों को अच्छे से भूनने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड किया है, 1/2 कप पानी ऐड किया है क्योंकि अगर आप पाउडर्ड मसालों को भूनेंगे तो आप इसमें पानी ऐड कर दें इससे मसाले जलेंगे नहीं और बहुत अच्छे से भूनेंगे। और मैं हाई फ्लेम पे इसको भून रही हूँ मसालों को। और जो मैंने यहाँ पे प्याज को फ्राई करके निकाल लिया था का पेस्ट बना के मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके पेस्ट बना के ऐड करने से क्या होता है कि प्याज का जो पेस्ट होता है इससे जो ग्रेवी होती है बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है और प्याज का जो फ्लेवर है वो भी मसालों में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो आप चाहें तो पेस्ट ना भी बनाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है फ्राइड अनियन का। देखिए मसाले जो है मैं काफ़ी अच्छे से यहाँ पे भून रही हूँ और मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। पानी ऐड करके मसालों को भूनूँगी और मैं यहाँ पे मसालों को मीडियम फ्लेम पे भून रही हूँ ताकि जो मसाले जो हैं जले नहीं वरना ये सरफेस पे लग जाते हैं और ये बिल्कुल अच्छे से नहीं भून पाते। तो जितने अच्छे से आप मसालों को यहाँ पर भूनेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे टेस्टी आलू गोश्त बन के तैयार होंगे। और इसके बाद मैं यहाँ पर गोश्त ऐड कर दे रही हूँ। तो देखिए मैंने गोश्त को यहाँ पे 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लिया है। अब
अब मैं गोश्त को गलाने के लिए 2 गिलास भर के पानी ऐड करूँगी। 2 गिलास पानी एकदम परफेक्ट है गोश्त को गलाने के लिए। तो देखिए मैं मिक्स कर ले रही हूँ यहाँ पे इसको, और बोटी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से ऐड हो गई है मसाले में। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल जो है कम लग रहा है ग्रेवी में, तो मैं देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दे रही हूँ, 1/2 टेबल स्पून करीब, क्योंकि मैं इसे मेहमानों के लिए बना रही हूँ, थोड़ा सा शाही बनाऊँगी। तो देखिए अब मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर की लिड लगा दे रही हूँ, और यहाँ पे 7 से 8 विसल्स आने के बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ। 7 से 8 विसल्स आने के बाद आप देख सकते हैं मसाले भी काफ़ी अच्छे से भुन गए हैं, गोश्त भी 100% टेंडर हो गया है, यानी अच्छे से गल गया है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी आलू। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो आलू कट करें थोड़े बड़े बड़े कट करें, ये देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं, और जो बड़े बड़े आलू हैं वो एकदम मैश भी नहीं होते हैं, अच्छे तरीके से गलते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बड़े बड़े आलू ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ, और 1 गिलास मैंने पानी भी ऐड किया है इसमें। इसके बाद मैं प्रेशर कुकर की लिड लगा दे रही हूँ। 1 विसल्स आने के बाद हम इसे प्रेशर पर छोड़ देंगे, और उसके बाद हम प्रेशर से पूरी तरीके से खुद से रिलीज़ हो जाएगा। उसके बाद हम जब चेक करेंगे तो आलू जो है 100% जो है गल गए हैं अच्छे तरीके से, और आलू गोश्त जो है बन के तैयार हो गया है, और ये बहुत टेस्टी बना है। तो आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट ग्रेवी बनी है, आलू भी अच्छे से गल गए हैं, बोटी भी अच्छे से गल गई हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।